मैं विनीत भाव से एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति के साथ कि कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला आप डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान हम हैं जो टकराएंगे, मौत अपनी मरेंगे, लिए हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ चला है कभी न रुकेगा, इस भाव को अपने जीवन में जीने वाले डॉक्टर बालमुकुंद जी को भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। परम आदरणीय प्रोफेसर सचेतन मित्तल जी, आज के अध्यक्ष, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्मानित मंच, सम्मुख बैठे हुए विद्वत जन, मैं देख रहा हूँ कि सामने बहुत बड़ी संख्या में लब्ध प्रतिष्ठित इतिहास के विद्वान बैठे हुए हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो 40-40 वर्षों तक क्लास में इतिहास पढ़े और पढ़ाए हैं। आपके सामने इतिहास के विषय में बहुत कुछ कहना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मुझे तो काम मिला है कि आपके मार्ग में आने वाले कांटों को साफ करूं, रास्ते को उभारूं और भारत के इतिहास को भारतीय चैतन्य के प्रकाश में इस देने के लिए मैं आपका सहयोग करूं। जब ओम जी हमारा परिचय कराते हैं तो क्या बोलना मैं भूल जाता हूं, क्योंकि इतना विस्तार से परिचय करा जाते हैं जितना मुझे मालूम नहीं है। इतिहास के पुनर्पाठ की आवश्यकता है, क्योंकि भारत का इतिहास पहले मुस्लिम पीरियड में मुसलमान राजाओं के प्रशंसा में लिखा गया और इंग्लिश पीरियड में इंग्लिश के कॉलोनी को अस्थाई बनाया जा सका इसके लिए लिखा गया, और 1950 के बाद इसलिए लिखा गया कि दिल्ली के किसी अच्छे होटल में अच्छे ब्रांड की दारू पीने को मिल जाए और बच्चों का एडमिशन रूस में हो जाए। इस बीच में बहुत बड़ी संख्या में हमारे भारतीय इतिहासकार साहित्यकारों ने लिखा, एक दर्जन भर इतिहासकारों ने बहुत ही अच्छे प्रकार से भारतीय इतिहास के अनुशासन में इतिहास लिखा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी हुई जो इतिहास से ऊपर उठ करके भाव भावनाओं के द्वारा अपने विचारों को कागजों में भी और पब्लिक में भी व्यक्त किया। इसलिए इतिहास के निस्तारण में सबका सहभाग उतने ही बराबर है। अपने को आपके माध्यम से इन सारे जो सोर्सेस हैं उसमें से वास्तव भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय चैतन्य के प्रकाश में इतिहास को कैसे प्रकाशित करें, इतिहास के शोध कैसे करें, इतिहास को भारतीय चैतन्य के प्रकाश में कैसे देखें और फिर कैसे हम भारतीय इतिहास के टेक्स्ट का निर्माण करें जिससे आने वाली पीढ़ी भारत के वास्तविक इतिहास से परिचित होकर के और इतिहास का जो रेलिवेंस है, जो इतिहास की प्रासंगिकता है, उसको स्थापित कर करने में सक्षम हो। आज का जो विषय है 1942 का आंदोलन, यह बहुत बड़ा विषय नहीं है भारत के इतिहास में, लेकिन कुछ लोगों के षड्यंत्र से और कुछ लोगों के बुद्धि विलास से और कुछ लोगों को ऊपर उठाने के लिए इस आंदोलन का इतिहास में बहुत महत्व दे दिया गया। हमको लगता है बहुत सारा काम इस पर हुआ है, लेकिन काम अपने अपने उद्देश्य से हुआ है, इसलिए आवश्यकता है कि इस पर फिर भी शोध की बहुत ही आवश्यकता है। 1885 की स्थापित कांग्रेस 1905 में आते आते एक जन आंदोलन के रूप में सामने आती है, परिणाम होता है बंग भंग का आंदोलन। 1916 में महात्मा गांधी जी के प्रादुर्भाव के बाद कांग्रेस का जो पहला उद्देश्य था, जो सेफ्टी वाल्व के रूप में स्थापित हुआ था, दूसरा जो 1905 में अंग्रेजों के षड्यंत्रों को काउंटर करने के लिए था, तीसरा एक दूसरे स्वरूप में चला गया और वह चला गया कुछ लोगों को देश का हीरो बनाने के लिए एक बहुत ही प्रयास प्रारंभ हो गया, एक गिरोह खड़ा हो गया। और उसमें जो पीछे के 1905 का जो व्यक्तित्व था वो कहीं ना कहीं क्रेश किया और उनको एक अछूत जाति के रूप में बाहर कर दिया गया, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के बहुत सारे हीरो जो लाखों की संख्या में हैं वो इतिहास के पन्नों से तिरोहित हो गए।
मैं बहुत बीच की बात न करते हुए सीधे आता हूं कि 1942 में एक नारा दिया गया, करो या मरो। ये नारा कहां दिया गया? यह नारा कांग्रेस कमेटी के बैठक में दिया गया, और उस कांग्रेस कमेटी की बैठक इस करो या मरो को लेकर पब्लिक तक जाती, उसके पहले ही सुबह 4:30 बजे सबकी गिरफ्तारी हो गई। कोई 2 साल जेल में रहा, कोई 3 साल में रहा, कोई 44 तक रहा। इसलिए वह कहाँ तक बाहर निकला और कैसे बाहर निकला, तो बहुत सारी बातें, जैसे लखनऊ की एक लड़की ने, कछार की लड़की ने सूचना मांगी गवर्नमेंट से कि बापू महात्मा गांधी को किसने कहा और कब कहा, तो भारत सरकार ने लिख करके दिया कि हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि बापू क्यों कहा गया, कब कहा गया और किसने कहा। महात्मा कब कहा गया बापू को, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने 3-4 लोगों को पढ़ा, किसी ने कहा राजेंद्र बाबू ने प्रसन्न होकर चंपारण सत्याग्रह से उनको कहा था, लेकिन 10 फरवरी 1917 को ही, जबकि अप्रैल में नीला क्रांति होती है, अप्रैल में ही रमाकांत शुक्ल ने जो चिट्ठी लिखा महात्मा गांधी को बुलाने के लिए, उसमें महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थोप दी गई ऊपर से, और उस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया से इतिहासकार को गुजरना पड़ रहा है। एक तक भाव भावनाओं का बहुत बड़ा पुट है, एक तरफ डिस्टॉर्ट किए हुए अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजों के द्वारा लिखा हुआ इतिहास है, एक कम्युनिस्टों के द्वारा लिखा हुआ इतिहास जिसमें हमारे हीरोज़ को डैमेज करने का प्रयास किया गया है, और तीसरा जो वास्तविक इतिहास था उसमें जज करने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए आप लोग 2 दिन में इसमें कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकालेंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा करो या मरो, ये महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व को छूता नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी जी तो कभी भी मरो शब्द का नाम नहीं ले सकते थे। कौन सी परिस्थितियां थी? 1925 में काकोरी कांड होता है, काकोरी योजना होती है, कांड उसको पढ़ लिया गया है, काकोरी षड्यंत्र भी नहीं है। काकोरी के पहले लखनऊ में एक बड़ी बैठक होती है, लगभग 460 संस्थाएं इकट्ठी होती हैं, और कैसे अंग्रेजों को अपदस्थ किया जाए इसके लिए योजना बनती है, और उसमें एक योजना निकलती है सान्याल के नेतृत्व में कि अंग्रेजों के जो हमारी संपत्ति अंग्रेज लूट रहे हैं उनसे वापस लूट करके और उसका हथियार बना करके हम उन पर अटैक कर सकते हैं। तो एक योजना है, उस योजना की वर्षना कांग्रेस मुक्त कंठ से करती है, और यहां तक कि बिना किसी एविडेंस के हमारे वीरों को फांसी दी जाती है। उस घटना में किसी एक पैसेंजर को गोली लग जाती है, वो भी प्रूफ नहीं हो पाया कि गोली किसके रिवॉल्वर से लगी थी, किसके राइफल से लगी थी, पुलिस से लगी थी या क्रांतिकारियों से लगी थी, और उसको एविडेंसेस बना करके और बेरहमी से हमारे क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती है। और सौभाग्य से उस समय जो 3-4 बड़े हीरो हमारे हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी भी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी भी हैं और अंबेडकर जी भी हैं और भी हैं, जो बड़े बैरिस्टर हैं, बड़े वकील हैं देश के, ले किसी ने भी अपनी वकालतनामा उनके पक्ष में रखने के लिए नहीं लगाई। लेकिन इस प्रकार से चौरी चौरा और कांड और काकोरी षड्यंत्र का विरोध करने वाले महात्मा जी को ऐसे एक आयक एकाएक कौन से ऐसा विषय आ गया कि उसी दिन को मेमोरी बना करके और 1942 के आंदोलन शुरू होता है, तो उनके चरित्र को एक दूसरा रूप सामने आता है कि 1925 में हुई घटना के दिन को और मेमोरी में स्थापित करके अब 1942 का अगस्त क्रांति का आंदोलन वो प्रारंभ करते हैं। दूसरी बात होती है करो या मरो, ये भी महात्मा जी को नहीं सूट करता। कुछ विद्वानों ने कहा है कि करो या मरो ये देश के लिए नहीं था, ये कांग्रेस के लिए था, कि कांग्रेस उसमें मरणासन्न हो गई थी, आपसी मतभेद में और आपदी टकराव इतना बढ़ गया था। त्रिपुर सुंदरी कांग्रेस जो 1939 में होती है, पट्टाभि सीतारमैया महात्मा गांधी जी के उम्मीदवार होते हैं, कांग्रेस में चुनाव होता है, और बहुत बड़े पैमाने बहुत बड़े अंतर से पट्टाभि सीतारमैया चुनाव हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीत जाते हैं। 42 हाथियों का रथ बनाया गया है उस पर, सुभाष जी को बैठ करके, और जबलपुर में एक जो जुलूस निकलने वाला है, पूरा देश उत्साह से लबरेज है कि कांग्रेस एक व्यामोह से निकल करके एक नेतृत्व को दे रही है।
युवा हृदय पूरे देश का नाच उठता है। दुर्भाग्य से उस दिन सुभाष चंद्र बोस जी को 104 डिग्री बुखार है, इसलिए वो रथ पर नहीं आ पाते। उनकी मूर्ति रख करके और रथ निकाला जाता है और अब तक उतनी बड़ी जुलूस, उतना बड़ा फंक्शन अब तक देश में शायद और कहीं हुआ होगा जिस किसी अध्यक्ष के स्वागत में हुआ हो। लेकिन जैसे वो बनारस जाते हैं सुभाष बाबू, तो महात्मा गांधी जी के शायद हरिजन के किसी लेख में या संपादकीय में लिखते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। सुभाष बाबू कहते हैं कि महात्मा जी को हरा करके मैं कांग्रेस का राष्ट्र, प्रदेश का राष्ट्र, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था, और लिखते हैं कि महात्मा जी को हरा करके मैं देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता, और वो इस्तीफा दे देते हैं। कोई उनसे बात भी करने नहीं जाता कि इस्तीफा दिए हो भैया, थोड़ा सुन लो, मान जाओ, थोड़े समझौता कर लेते हैं, थोड़ा निगोशिएट कर लेते हैं, कोई बात भी नहीं करने गया। और जो महात्मा गांधी जी कहते थे कि मैं तो कांग्रेस का चमन्नी का मेंबर नहीं हूँ, कांग्रेस का मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो अपनी हार स्वीकार करते हैं कि मैं हार गया, और निर्णय ले लेते हैं कि सुभाष का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है ये। महात्मा गांधी से बड़े नेता जो सबके आत्मा बसने वाले, एक कदम चलते हैं हजारों कदम उनके पीछे चलते हैं, ऐसे महात्मा गांधी जी सुभाष बाबू को अपना प्रतिद्वंदी बना करके बहुत छोटे हो जाते हैं, शायद देश नकार देता है। मुस्लिम लीग के माध्यम से पूरे देश में कांग्रेस का विरोध हो रहा है। एक भी व्यक्ति बार बार जिन्ना कहता है कि महात्मा जी हिंदू नेता के नाते हमारे सामने क्यों नहीं आते, ये देश के नेता कौन, मैं मुस्लिम नेता हूं। और इसके कलह का जो 35 से शुरू हो जाता है, पूना पैक से, लखनऊ के बैठक से शुरू हो जाती है, और उस समस्या को लेकर के और आगा खां के नेतृत्व में और ये चर्चिल के संपर्क स्थापित करके जिन्ना पूरे देश में एक नया षड्यंत्र चालू कर देते हैं, और दुराष्ट्र का सिद्धांत स्थापित करने के लिए पूरे देश के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उनका यात्राएं होती हैं। उससे अनभिज्ञ कांग्रेस आपसी कलह, अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसकी बात मानी जाएगी, किसकी नहीं मानी जाएगी, ये सारी बातें सामने आती है। वर्धा में बैठक होती है, वर्धा प्रस्ताव आता है, महात्मा गांधी जी वर्धा प्रस्ताव में एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं, नेहरू जी उसको कूड़े में डाल देते हैं। आसपास से रहने वाले नेहरू जी, पटेल जी, कभी भी किसी ने उनको अनौपचारिक रूप से मिलकर बात करते हुए नहीं देखा। कहीं सुभाष बाबू का कला है, कहीं नेहरू जी का है, कहीं पटेल जी का है, कहीं महात्मा गांधी कहते हैं, अब तो मैं अप्रासंगिक हो गया। और मुझे एक अखबार मिला 1940 में प्रकाशित था ये 11 फरवरी को, उसमें मानवेंद्र नाथ राय एक एप्लीकेशन कहते हैं कि कांग्रेस को नए नेतृत्व की आवश्यकता है जो सबको साथ लेकर चले। 1940 में की स्थिति क्या होती है द्वितीय विश्व युद्ध में, कि दक्षिण पूर्व एशिया का लगभग सारे उपनिवेश से कांग्रेस अंग्रेज हार जाते हैं। फिर एक एप्लीकेशन करते हैं, सुभाष बाबू बाहर चले जाते हैं, सुभाष बाबू बाहर जाकर जापान और बर्मा के साथ, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो सकता है, इस पॉलिसी के अंतर्गत हम भारत को कैसे मजबूत कर सकते हैं, ऐसी एक बात आती है, जापान का वर्चस्व बढ़ता है। महात्मा गांधी जी एक समाचार देते हैं 1940 में, एप्लीकेशन करते हैं कि हम नहीं चाहते कि अंग्रेज चले जाएं और भारत जापान के हाथ में चला जाए, इसलिए चाहे अंग्रेज रहें या अंग्रेज जाएं, तो पूरा पूरा भारत भारतीयों के हाथ में होना चाहिए, हमारे सरकार के हाथ में होना चाहिए। लेकिन उसी समय भारत में कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनती है, और कभी पढ़ना हो तो पढ़ें आप कि कांग्रेस के विषय में उसमें महात्मा गांधी जी क्या वर्णन है, माननीय मित्तल जी उसके विस्तार से बताएंगे। यहां तक कहते हैं कि नाली में बज बजाते हुए कीड़े के समान कांग्रेस नेता हो गए हैं, भ्रष्टाचार, वैमनस्य, आपसी द्वेष और टांग खींचने की प्रथा पराकाष्ठा पर चली गई है। ऐसे स्थिति में कांग्रेस को सुधरना पड़ेगा। आक्रोश में कहते हैं कि मैं बालू से भी नया कांग्रेस पैदा कर दूंगा, अर्थात कांग्रेस के प्रति उनकी धारणा कितनी बिगड़ गई है। पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं कि जिस दिन वो 8 अगस्त के
रात में बोल रहे थे महात्मा जी 9 अगस्त को, 70 मिनट का भाषण हुआ था, और प्रताप सीताराम महाराज कहते हैं कि नए अवतार के रूप में दिखाई देते हैं। हमको भी लगता है कि महात्मा गांधी जी को भी स्वीकार हो गया था कि ये झापड़ खाने से और चरखा चलाने से शायद देश स्वतंत्र अब नहीं होगा, इसलिए 1925 को याद करना पड़ेगा, इसलिए काकोरी योजना को याद करना पड़ेगा, इसलिए करो या मरो की बात करना पड़ेगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी तुरंत 1942 में कहते हैं करो या मरो नहीं, मरो और मारो। तो ये पूरे कांग्रेस में एक दूसरे प्रकार का वातावरण का निर्माण हो गया है, इसलिए सुबह महात्मा गांधी जी का जो नारा था करो या मरो, वो देशवासियों के लिए नहीं था, वो कांग्रेस के लिए था कि कुछ करो नहीं तो कांग्रेस मर जाएगी। इस पर विचार करने की आवश्यकता है, उसका परिणाम क्या हुआ, उसमें किसका कमेंट क्या आया, बहुत सारे विषय सामने आते हैं। मुसलमान कहते हैं, उसमें जिन्ना कहते हैं, बाकी सारे लोग कहते हैं कि अगर भारत स्वतंत्र हो गया तो यह देश हिंदुओं के हाथ में चला जाएगा, इसीलिए हम 1942 में कांग्रेस का सहयोग नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों के साथ हैं। और पूरी तरह से मुस्लिम लीग ने श्री प्रकाश की जो पुस्तक है डिवीज़न पर, उसमें ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि दुनिया में अल्पसंख्यक जितनी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं वो सारी सुविधाएं हम भारत में अल्पसंख्यक को दूंगा। जब जयकर महोदय खड़े होते हैं कहते हैं नेहरू जी अभी इसको रोकिए, अभी मुस्लिम लीग पूरे आपके विरोध में है, कोई भी मुसलमान प्रतिनिधि इस बैठक में नहीं है, ऐसी स्थिति में उनको देगा क्या करेंगे, पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा था, लगातार तुष्टिकरण की नीति, लगातार तुष्ट करने की बात कही जा रही है। इस स्थिति में पूरी तरह से मुस्लिम लीग 1942 के आंदोलन से अपने को आगर बाहर है, उसमें कम्युनिस्टों में बैन लगा हुआ है, और वो बैन हट जाएगा, हम बैन हटा देंगे, इस आशा से पूरे कम्युनिस्ट पूरी तरह से 1942 के आंदोलन का विरोध करते हुए अंग्रेजों के साथ खड़े हैं। वीर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी वर्णन इस प्रकार से आता है कि महात्मा गांधी समाज का विश्वास खो चुके हैं। जिस रघुपति राघव राजा राम और राम राज्य की स्थापना करने की नारे के आधार पर महात्मा जी आधे कपड़े पहनकर भारत के मानसिकता को, भारत के चैतन्य को एकत्रित करके संघर्ष करने के लिए खड़े हुए थे, वह कहीं महात्मा गांधी से दूर हो गया है। इसलिए आवश्यकता है कि यह चीजों को ठीक प्रकार से पहले डिफाइन किया जाए, उसके बाद आंदोलन की बात किया जाए। देशी रियासतें भी असमंजस में हैं कि क्या होगा। आरएसएस पर लगता है लगातार आरोप कि आरएसएस तटस्थ था, उसमें पूरे देश में आरएसएस की 600 शाखाएं थी, शायद आरएसएस का कोई नाम जानता भी नहीं था। आज भी जब लोग किसी से कहते हैं इतने अखबार में पढ़ने के बाद कि मैं आरएसएस का हूं, तो कहते हैं सभी हिंदू परिषद वाला, अच्छा वो भाजपा वाला, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 1940 में आरएसएस का कितना बोलबाला रहा होगा। आरएसएस का बोलबाला 1947 में हुआ, जब लाखों बहनें हमारे अपमानित होकर और लाखों बंधु कटे हुए, जहां बच्चे लाशों के बीच में अपने पिता को ढूंढ रहे हैं और जहां पिता लाशों के बीच में अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, ऐसे सीमांत और सियालदह एक्सप्रेस में पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाली गाड़ियों के उस विप्रोह में, जब आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अपना सब कुछ खो करके और उनका सहयोग किया, तो बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब बंगाल और कलकत्ता में हमारे साथ लोग खड़े हुए, आरएसएस का परिचय हुआ। 1940 में आरएसएस का कितना अस्तित्व रहा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अपमानित करने के लिए वीर सावरकर जी ने कहा होगा, उनका अपना कहने का तरीका है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा होगा, मदन मोहन मालवीय ने कहा होगा, लेकिन उसको आरएसएस थोपा जाता है। लेकिन हम अंबेडकर जी का नाम नहीं लिया जाता है, भीमराव अंबेडकर कहते हैं ये अन उत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन भरा कार्य है 1942 में भारत आंदोलन का। चेत भगत सपरू कहते हैं कि अविचारित और असामायिक कार्य इन्होंने किया है, अकाली दल भी आंदोलन का विरोध करता है। ऐसी स्थिति में हमको 1942 के पुनर्पाठ की आवश्यकता है। ले लिया आजादी बिना खड़ग मिटा ढाल, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, तो सारे विषयों को ठीक समझने की आवश्यकता है। ठीक कहा है पट्टाभि सीतारमैया ने कि महात्मा गांधी जी का एक नया अवतार था। अर्थात सुभाष बाबू मणिपुर के बॉर्डर पर नहीं आए होते,
इस देश में सारे लोग खड़े नहीं हो गए होते तो कांग्रेस जिस प्रकार से उस स्थिति में आ गई थी वो बहुत बुरा स्थिति था। इसलिए आवश्यकता है उनके अंदर ही, मौलाना जब 1940 में क्रिप्स मिशन आता है तो मौलाना कहते हैं कि ये क्रिप्स नेहरू का दोस्त है और वो स्वीकार कर लेगा, मौलाना विरोध करते हैं, खान अब्दुल वहाब अब्दुल गफ्फार खान विरोध करते हैं। एक बहुत बड़ा संच है, मैं तो केवल मैं प्रोफेशनल प्रोफेसर नहीं हूं, इसलिए आप विद्वानों के सामने प्रार्थना कर रहा हूं कि इन छोटी छोटी बारीकियों के अर्थ को ठीक से निकाला जाए और 1942 के आंदोलन को, जो अब तक विद्रोह कहा जा रहा था, आंदोलन था, उस आंदोलन को सारे कांग्रेस नेता जहां जेल में थे, जैसे भाई साहब बताया आगा खान महल में जेल बना हुआ था, जेल में थे, 1944 में महात्मा गांधी जब जेल से निकले तो उन्होंने भारत का एक संविधान बनाया था जो ग्राम आधारित था, जो गो आधारित था, जो स्वदेशी आधारित था। नेहरू जी ने उसको फाड़ कर डस्टबिन डाल दिया। ऐसी स्थिति में उस आंदोलन को संचालन करने वाले जो 9 में 10 में 15 में 11 में 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, अपने झोले में क्रांतिकारियों को चिट्ठियों को लेकर के इस अड्डे से उस अड्डे तक पहुंचाते थे। दुर्गा भाभी जैसे हजारों महिलाएं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं आया, उन्होंने क्रांतिकारियों को अपने घर में छुपाया, किसी को बहू बना करके, किसी को बेटी बना करके, और क्रांतिकारियों के महिलाओं को भेज अपने घर में रखा। अनुशीलन समिति के माध्यम से तमाम प्रकार के संगठन पुनः सक्रिय हुए। अंग्रेज कमजोर थे, एक धक्का लगा और भी बेहतर हो सकता था। अगर इस पर एनालिसिस करेंगे कि 1942 का आंदोलन अगर वैसा नहीं होता तो हो सकता था कि देश का विभाजन भी नहीं होता और एक संपूर्ण राष्ट्र के हम स्वामी होते। इसलिए इस पर पुनः अनुशीलन की आवश्यकता है, पुनर्पाठ की आवश्यकता है और उसको दोबारा देखने की आवश्यकता है। भाव भावनाओं और विद्रुप्त की हुई इतिहास के एविडेंस से आगे बढ़ करके हम अपने लोकल हिस्ट्री के माध्यम से, सब रीजनल हिस्ट्री के माध्यम से और लोकल एविडेंसेस के माध्यम पर हम फिर 1942 को ओपन करें और उसको देखें कि जो इतिहास की ड्यूटी है उसको सामने लाएं और एक ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि दें जिनका नाम भी कोई नहीं जान पाया और उन लोगों के माध्यम से यह देश आज़ाद हुआ। अगर सब लोगों ने ठीक प्रकार चिंतन किया होता तो नक्शा कुछ और होता। माननीय मित्तल जी इस विषय पर विस्तार से आपके सामने विषय रखेंगे, मैं कुछ विषयों को जूठा करके आपके सामने से जा रहा हूँ। धन्यवाद।